रविवार को स्वामी विवेकानंद मेमोरियल स्कूल ने अपने 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने शिक्षण समिति को बधाइयां दी और शहर में बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया। कोका स्थित स्वामी विवेकानंद मेमोरियल स्कूल जाना जाता है बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए, और सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि खेल जगत में भी इस स्कूल ने अपने विद्यार्थियों को इतना काबिल बनाया है कि वे प्रदेश और देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। रविवार को स्वामी विवेकानंद मेमोरियल स्कूल ने अपने 25 वर्ष पूर्ण कर लिए। बीते कोरोना काल में जहां लगभग 52 स्कूल बंद हो गए, तो वहीं इस स्कूल ने इस कठिनाई भरे दौर में भी अपने विद्यार्थियों को बखूबी शिक्षा प्रदान की। रजत जयंती स्थापना दिवस मनाते हुए स्कूल के सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित अतिथियों द्वारा सर्वप्रथम माँ सरस्वती के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। तत्पश्चात मंजीत कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों का स्वागत सम्मान पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह शॉल और श्रीफल देकर किया गया। मंच के माध्यम से मेधावी छात्र छात्राओं एवं कक्षा 10वीं और 12वीं में सर्वोच्च अंक हासिल कर स्कूल का नाम रोशन करने वाले विद्यार्थियों को मेडल पहनाकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षाविद व पर्यावरणविद व्याह राजेंद्र राव एवं संगीत कला में महारत रखने वाले कृष्ण कुमार पाटिल ने स्वामी विवेकानंद मेमोरियल स्कूल के सफल संचालन के लिए शिक्षण समिति को ढेरों बधाइयां दी, तो वहीं शिक्षण संस्था के सचिव एम के देवांगन ने आयोजित कार्यक्रम की जानकारी दी। इस प्रबंधन का, इसके संस्थापकों का और यहाँ पर कार्यरत शिक्षकों का हृदय से धन्यवाद करना पड़ेगा कि ऐसे कठिन समय में भी इन्होंने अपनी शाला को संचालन करने में कोई कोताही नहीं बरती। अनेक परेशानियां इनके सामने आई होगी, लेकिन उन्होंने विद्यालय को चालू रखा, इसके लिए हृदय से धन्यवाद के पास। सर, आज का एजुकेशन क्या चाह रहा है? आज का एजुकेशन रोजगार मूलक होना चाह रहा है। क्या प्रयास करने होंगे? स्कूलों को ट्रेडिशनल स्कूल ना बना करके उनको व्यापार से, उद्योग से, तकनीकी से, कृषि से, वन से, इन सभी से जोड़ने का प्रयास होना चाहिए और इसकी कोशिश की जा रही है और निकट भविष्य में शायद इसके कोई अच्छे संभावना आपको मिलेगा। बताइए सर। मेरा नाम कृष्ण कुमार पाटिल है। मैं ममता भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत हूँ और संगीत के अध्यापक हूँ और कार्यरत हूँ दूरदर्शन आकाशवाणी कलाकार हूँ। और सबसे बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ के ऊपर असर जो है छत्तीसगढ़ में साहित्य है, बोला छोटा ख्याल से डूंगरी के स्वरूप देना और जा करके देश में विदेश में प्रसार करना। आज विवेकानंद स्कूल के सिल्वर जुबली 25 वर्ष पूरे हो गए हैं, आज स्थापना दिवस है। क्या बोलना चाहोगे इस स्कूल के बारे में? स्कूल के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि प्रणम में जो आदमी जो शिक्षा के दान करता है, तो दीप से जलना न सीखो, दीप से मुस्कान सीखो, सूर्य से ढलना न सीखो, सूर्य से उत्थान सीखो, सोचना है हम कहाँ, इस क्षेत्र में अंकित रहा है, राह चलना ही न सीखो, राह का निर्माण सीखो, राह का निर्माण। 25 सालों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ और चाहता हूँ कि अल्प शिक्षा काल जो है सुख में ही हम अच्छी से अच्छी शिक्षा यहाँ के लोगों को दे सकें। सर, कोरोना काल में कितनी कठिनाई हुई इसको चलाने? मैं ये बताना चाहूँगा कि कोरोना काल में जिस तरह से वैश्विक बीमारी हुई है और इसमें लोगों को थोड़ी परेशानी हुई है, लेकिन हमारा शिक्षक, हमारी शिक्षण संस्था कभी भी ये नहीं चाहिए कि यहाँ के जो कार्यरत लोगों को, उनका जो या स्टाफ को कभी भी आर्थिक विपन्नता का सामना करना पड़ेगा। दूसरा प्रयास हुआ, अधिक से अधिक प्रयास हम लोग किए कि किसी भी तरीके से उनको जो नियमित रूप से जो वेतन मिलना चाहिए वो वेतन मिलता रहा है और सबके सहयोग से आज हमारा यह विद्यालय जो है इस क्षेत्र में हिंदी माध्यम में उच्चतम शिखर पर आज अपना परचम फहरा रहा है। 25 वर्ष सिल्वर जुबली सर, क्या सिल्वर जुबली में मैं चाहूँगा कि अब वो जो 25 साल तो हो चुके हैं, लेकिन कुछ जो है आगे की वो रजत जयंती के साथ साथ वह जो है आने वाली जो है स्वर्ण जयंती की ओर अग्रसर होंगे और वह एक बेहतर स्कूल के रूप में, अच्छी शिक्षा के रूप में जो है यह सरकार जानी जाएगी। ये मेरी कामना है समिति की ओर से और मैं चाहूँगा कि मैं इस क्षेत्र में रहते हुए भी और जो है महाविद्यालय स्तर तक की शिक्षा हम यहाँ के बच्चों को कम शुल्क में दे सकें, ये मेरी कामना। बीते 2 वर्ष कोरोना काल में भी स्वामी विवेकानंद मेमोरियल स्कूल ने अपने उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली से शिक्षा जगत में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, जिसके लिए यह विद्यालय पूरे जिले ही नहीं प्रदेश भर में चर्चा का विषय है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।